नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स में। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाली हूँ प्रेग्नेंट महिला और होली के त्योहार को लेके कि क्या गर्भवती महिलाओं को होली का त्योहार खेलना चाहिए, क्या ये महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है या नहीं होगा। इसको लेके महिला के दिमाग में भी काफी ज्यादा उधेड़बुन चलती है, काफी कश्मकश में महिला रहती है। तो ऐसे में अगर आप होली खेलना चाहती हैं तो कुछ सावधानियां रख के आप होली का त्योहार का आनंद उठा सकती हैं। तो कौन कौन सी है वो सावधानियां, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप ना करिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और आप होली के त्योहार का आनंद अच्छे से उठा सके। दोस्तों, महिला की जो गर्भावस्था होती है वो पूरे 9 महीने की होती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरा 1 साल लग जाता है महिला को गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद रिकवर होने में, यानी कि पूरा 1 साल आप लगा लीजिए। और इस पूरे साल में बहुत सारे त्योहार इस दौरान पड़ते हैं, लेकिन त्योहारों से ज्यादा जरूरी है आपको आपका स्वास्थ्य और गर्भ में शिशु की रक्षा करना। तो दोस्तों, कोई भी त्योहार आपके लिए सुरक्षित तभी होगा जब आप कुछ सावधानियों का ध्यान रखेंगी। तो सबसे पहले बात करूं होली का दहन। अगर आप होली का दहन के अवसर में शामिल हो रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपने कपड़े पहने हों वो कॉटन इत्यादि के हों, सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि होली का दहन यानी कि इसमें आग इत्यादि से होली का दहन की जाती है, जिससे कि आग की कुछ लपटें आप पे आ सकती हैं। और सिंथेटिक कपड़े अगर आप पहनेंगे तो आग की लपटें सिंथेटिक कपड़ों को बहुत जल्दी से पकड़ लेती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, ठीक इसी तरीके से धुएं से भी आपको दूरी बनानी है, क्योंकि होली का दहन में बहुत ज्यादा धुआं भी होता है। अगर आप धुएं की चपेट में आ जाती हैं तो इससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। होली के दिन दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना है। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे पूरा तेल, मॉइस्चराइजर या फिर पेट्रोलियम जेल इत्यादि का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें जो होती है रंगों को त्वचा में एब्जॉर्ब होने से रोकने में काफी ज्यादा मदद करती है। और होली खेलने के बाद रंगों से भी आपको आसानी से छुटकारा मिल जाता है। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर होली खेलने के लिहाज से थोड़ा सा संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आपको बिल्कुल उछल कूद नहीं करनी होती है, दौड़ भाग नहीं करनी होती है। और ठीक इसी तरीके से प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और आपने किसी को बताया नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आपके पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आपको इंसिस्ट करते हैं होली खेलने के लिए, तो आप तुरंत उसी समय उन्हें अपनी ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं और इस वजह से आप उछल कूद करके या दौड़ भाग करके होली का आनंद नहीं ले सकते। होली खेलिए, लेकिन आप किसी सुरक्षित जगह में बैठ के ही होली का आनंद लीजिए। पानी वाली होली इस दौरान बिल्कुल अवॉइड करनी है दोस्तों, क्योंकि पानी में आपका पैर फिसल सकता है और इससे गर्भ में शिशु को नुकसान हो सकता है। इवन आपको भीगना भी नहीं चाहिए इस दौरान पानी में, क्योंकि अगर आप भीगेंगे तो सर्दी खांसी जुकाम और बुखार आपको हो सकता है, तो इस दौरान पानी वाली होली को तो बिल्कुल अवॉइड करिए। बात करूं रंगों की तो दोस्तों इस दौरान रंगों से भी थोड़ा आपको दूरी बना लेनी है, क्योंकि जो रंग होते हैं, जो कलर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा केमिकल मिला होता है, उनमें मरकरी होता है यानी कि पारा उनमें होता है, और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं। अगर आप सूखी होली भी खेल रहे हैं, रंगों वाली होली खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि सांस लेते हुए वो रंग जो है आप इनहेल कर ले, और इन रंगों का प्रभाव, इन रंगों का जो असर होता है वो डायरेक्ट आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि होली के जो रंग आप यूज कर रहे हों वो हर्बल हों तो बेहतर है। हर्बल यानी कि फूल और सब्जियों से बने हुए जो रंग होते हैं आप उनको इस दौरान यूज करिए। होली के बाजारों रंगों को बिल्कुल इस दौरान अवॉइड करिए। अब बात करो दोस्तों खान पान की, तो होली के दौरान जैसे कि तेलीय चीजों का बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है, गुजिया इत्यादि हो गए, मैदे से बनी हुई चीजों का सेवन किया जाता है, पेय पदार्थों में भांग और ठंडे इस दौरान बहुत ज्यादा सेवन में ली जाती है, तो इन सभी चीजों को आपको इस दौरान अवॉइड करना है। आप इस दौरान बहुत ज्यादा ऑयली मत खाइए, वरना आपको सीने में जलन, अपच और एसिडिटी हो सकती है। भांग इत्यादि का सेवन तो आप बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि भांग इत्यादि को भी अल्कोहल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जो कि आपकी गर्भावस्था के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। भांग के पकौड़े इत्यादि का सेवन भी आप इस दौरान बिल्कुल ना करें, एक आध गुजिया आप इस दौरान खा सकती हैं। और इसके अलावा सादा भोजन आपको करना है, ठंडाई पीने का मन है तो आप छाछ मट्ठा इत्यादि का इस दौरान सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों होली का त्योहार आते आते मौसम में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लग जाता है, ऐसे में अगर आप खुले मैदान में होली खेल रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो इसलिए बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी का सेवन जरूर करते रहें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन जैसी कोई भी समस्या इस दौरान ना हो। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जिनका ध्यान आपको होली खेलते समय जरूर रखनी चाहिए। ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, पसंद आई है मेरी वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।